फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेट स्टडी पे। फ्रेंड्स, यहाँ RRB NTPC का आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया गया है, लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप PDF को किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ मैं RRB चेन्नई बोर्ड को ओपन कर रखा हूँ और यहाँ पर NTPC नॉन पॉपुलर कैटेगरी का यहाँ पे लिंक फॉर व्यूइंग क्वेश्चन पेपर एंड रेजिंग ऑब्जेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये लिंक एक्टिवेट हो गया है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने RRB का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल दिया हूँ, फिर इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, इस टाइप से कुछ ओपन होगा इंटरफेस। यहाँ पे देख पा रहे हैं कैंडिडेट रिस्पांस है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर असेसमेंट RRB NTPC एग्ज़ाम क्लिक हीयर टू जनरेट इट। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका जो है क्वेश्चन पेपर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं RRB का NTPC का जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि आप कैसे किसी क्वेश्चन अधिक गलत है तो आप कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।